तीसरे चरण के लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद जिला चिकित्सालय में मरीजों की संख्या काफ़ी हद तक बढ़ गई है। वहीं कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए अस्पताल में दिखाने आए मरीजों को सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए पर्ची काउंटर और ओपीडी के सामने एक एक मीटर की दूरी पर गोले बनाए गए हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए चतुश्रेणी कर्मचारियों के साथ होमगार्डों की ड्यूटी भी लगाई गई है। लेकिन इसके बावजूद भी अस्पताल में दिखाने पहुँचे मरीज सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। कोई भी पर्ची काउंटर पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए डॉक्टर राजेश और प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस के श्रीवास्तव ने कहा, कार्डियोलॉजी विभाग में चले जाइए, दवा भी नहीं मिलेगा, लॉकडाउन छूटने के बाद जो नियमित रूप से शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज थे वो आना शुरू हो गए हैं और वो दवा अपना ले रहे हैं। इन दिनों अवसाद के मरीजों की संख्या बढ़ी है और लूज मोशन, वोमिटिंग, ये सब जो सामान्य मौसम की वजह से हो रहा है वो सब के भी मरीज इस समय आप ज़्यादा आ रहे हैं, पेट दर्द, उल्टी, सब के मरीज। अब साफ सफाई पे विशेष ध्यान दे लो, खान पान अपना नियमित रूप से खाएं, यही सावधानी बरतें। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जहाँ जहाँ पर पर्ची काउंटर है या ओपीडी है वहाँ पर ज़मीन पर जो है गोले बना करके, आपने देखा होगा कि सफ़ेद रंग के गोले जो हैं बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। और हमारे जो है फोर्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वो जो है होमगार्ड और पुलिस वाले जो हैं इसको प्रॉपरली जो है मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भरसक प्रयास रह रहा है वो सब कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन पर हम लोग का विशेष ध्यान है और हम लोग इसको करने की पूरी अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं इसको, और हमारा स्टाफ पूरा लगा हुआ है इस चीज़ को करने के लिए। कितनी ओपीडियां अभी चल रही हैं? अभी ओपीडी जो है मेडिसिन की, पीडियाट्रिक्स की, आर्थो की और कार्डियोलॉजी की, और साथ में हमारी जो है आपातकालीन सुविधाएं सारे मरीजों के लिए जिस भी तरह के आम हैं उन सभी की दी जा रही है। बाकी उसके लिए अभी शासन से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जो भी अगर इमरजेंसी केसेस किसी भी विभाग के आ रहे हैं उनको आपातकालीन में आपातकालीन विभाग में भर्ती कर और कंसर्न को बुला करके उनको उनकी भरपूर सुविधा उनको दी जा रही है और जो उनका उनकी परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। सर, गोरखपुर न्यूज़ के माध्यम से जो भी मरीज आ रहे हैं या जो मरीज भर्ती हैं उनको कुछ अपील करना चाहेंगे? जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनसे मेरी यही अपील है कि कोरोना से बचाव का सबसे अच्छा साधन है कि आप एक दूसरे से दूरी बना कर रखें और बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको
भरसक कोशिश करें कि 14 दिन जो है घर में रहें, दूसरे से मेल मिलाप न करें और दूसरे और हमेशा जो है समय समय पर हमेशा हाथ धोते रहें। उनके पास जो भी हो, साबुन हो या लिक्विड साबुन हो, किसी भी साबुन से जो है 20 सेकंड तक जो है प्रॉपरली हाथ धोएं, जिससे कि ये संक्रमण फैलने ना पाए। और तीसरा कि स्वच्छ और साफ जो है भोजन करें, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी जो है बेहतर हो सके। और नियमित थोड़ा व्यायाम करने की कोशिश करें, जिससे कि उनके शरीर में स्फूर्ति बनी रहे, तो ये कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। दूसरे, उनके यहाँ जो भी व्यक्ति जो है 55 से ऊपर का है और जो बच्चे 10 साल से नीचे के हैं, उन पर विशेष ध्यान दें और बाहर निकलने से उनको बचाएं और उनका ध्यान रखें। यही मेरी आने वाले पेशेंट और उनके अटेंडेंट और लोगों से, जनता से यही अपील है कि ये करें, जिससे कि हम इस महामारी में सबकी सुरक्षा हो सके और समाज की सुरक्षा हो सके, हमारी अर्थव्यवस्था की सुरक्षा हो सके। यही मेरी सब लोगों से अपील है।